राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है, ये शादी मानवी के बगैर नहीं हो सकती। और मेरी भी यही राय है। जाने क्या है ये लड़की मानवी, जब रहती है तो मुसीबत, ना रहती है तो भी मुसीबत। इस तरह तो जीविका से अलग रहकर भी वो हमारे लिए गहरा सा दर्द बनी रहेगी हमेशा के लिए। मम्मा पापा, ये लाइफ कुछ अजीब नहीं है, सोचो कुछ, होता कुछ, हम जाते कुछ है, करते कुछ और, बहुत अजीब है। मम्मा मम्मा, वहाँ दी की शादी हो रही, चारों तरफ शहनाइयाँ बज रही हैं और यहाँ मैं अकेले, हर तरफ सन्नाटा। अकेले इतना बात करोगी तो सन्नाटा कहाँ से रहेगा? कमाल करती हो चौधराइन तुम भी। बात करते हैं आपसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो शादी में होना चाहिए था ना। वैसे होना तो तुम्हें भी चाहिए था, राइट? इसके क्या है ना, ये शादी वाली ना मेरी टाइप की चीज नहीं है। मैं बहुत बोर हो रहा था, तुमने अच्छा किया वहाँ शादी में ना आके। मैंने सोचा मैं तुम्हें कंपनी दे दूँ, राइट? देखो विराट, आज ये पागलपंती मत करो। तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पे। शादी तुम्हारी बहन की भी है। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेट्स गो। विराट, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। मैं नहीं आने वाली, मैंने किसी से वादा किया और यही वादा मैं तुझसे वापस लेने आई हूँ। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, मानवी आ जाएगी। मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देखती, मुझे चैन नहीं आएगा। विराट, मेरे एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड्स बिना आईडी के किसी इंसान को तो क्या, एक छोटी सी चीटी को भी अंदर घुसने नहीं देंगे। तुम चिंता मत करो, चलो शादी एंजॉय करो। कब? जी कमिश्नर, थैंक यू। यू वेलकम विद कब?